नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। ये बहुत ही आसान विधि से बन जाता है, घर की ही चीजों से हम इसे जल्दी बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो पनीर, बटर, तीन चम्मच मलाई, तीन या चार चम्मच भी ले सकते हैं, चार चम्मच के करीब मलाई, खसखस ये वाली दो चम्मच जिसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा था, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन इस तरह का दरदरा पिसा हुआ, हरी मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला, टमाटर, प्याज। टमाटर प्याज हमें इतना ही बारीक करना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं। अब हम मसाला बनाएंगे। मैं बटर यूज कर रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। बटर को अच्छे से गर्म करना है, पिघल जाए, उसके बाद ही हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे। बटर गरम हो चुका है, इसमें हम खड़ा गरम मसाला डालेंगे। इसको भी हमें एक मिनट के लिए हल्का सा भूनना है। धीमी आंच पे भूनिए। अब हम इसमें हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक ये चीजें डालेंगे। इसको भी हमें हल्का सा भूनना है। गरम मसाले का कलर आ चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें करीब 2 मिनट तक धीमी आंच पे भूनना है। अब हम टमाटर डालेंगे। प्याज भून चुका है, टमाटर को भी हमें 1 मिनट तक वापस भूनना है। धीमी आंच पे ही भूने। खसखस को हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें ये वाले मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक। इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे खसखस जो हमने मिक्सी में पीसी थी। खसखस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है शाही पनीर में। इसको हमें करीब 1 मिनट तक भूनना है खसखस डालने के बाद। सभी मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई हमने 4 चम्मच ली थी। मलाई और खसखस का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है, आप घर पर जरूर बनाइए। इसको भी हम 1 मिनट फिर वापस भूनेंगे। शाही पनीर का मसाला पूरी तरह से बनके तैयार है, भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसमें गर्म पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा ग्रेवी के लायक। अब हम इसको वापस करीब धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे, बहुत धीमी आंच, ऐसे ढक के पकाना है। ग्रेवी बनके तैयार है, अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। मैं पनीर बिना तले डाल रही हूँ, आप चाहें तो तल के भी डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद हमें करीब गैस बंद करके, हमें गैस ऑन करके नहीं पकाना, इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल बंद करके रखना है। गर्मा गर्म शाही पनीर बनके तैयार है। इसमें आप खसखस की जगह काजू का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।